दैट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन. ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 4 dy/dt प्लस 8 y t इज इक्वल्स टू 8 x(t), वेयर वाई इज आउटपुट एंड एक्स इज इनपुट. फाइंड द सेटलिंग टाइम, सेकेंड इट इज़ द राइज टाइम, थर्ड इट इज़ द पीक टाइम एंड फोर्थ इट इज़ द पीक ओवरशूट. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट विल कम इन एग्जाम. ओके, सो ऑल्सो कम इन एग्जाम, सो सी द सोल्यूशन. ओके ओके, सी सोल्यूशन. इस सोल्यूशन फर्स्टली राइट द प्रॉब्लम दैट विल गिवन. ओके, सो आफ्टर दैट वी अप्लाई द लैपलास ट्रांसफॉर्म टू दिस प्रॉब्लम. इन लैपलास ट्रांसफॉर्म वॉट विल हैपन, द डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर विल बी कन्वर्ट इन टू एस स्क्वेयर वाई ऑफ एस. ओके, प्लस 4 विल बी द कॉन्स्टेंट, सो सेम एज दैट. आफ्टर दैट डी वाई बाय डी टी इट इज द एस वाई ऑफ एस. ओके, प्लस 8 विल ऑल्सो द कॉन्स्टेंट, सो कीप एज इट इज. आफ्टर दैट वाई ऑफ टी इट विल बी रिटर्न इन लैपलास ट्रांसफॉर्म दैट इज y of s is equals to 8 also will be the constant, then x of t will be written as x of s. Okay, after that we arrange this equation in y of s upon x of s term. Okay, in y of s upon x of s what will happen, in this term we common द वाई ऑफ एस. ओके, हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये साइड में से हम लोग वाई ऑफ एस कॉमन निकालेंगे. तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, दैट इज एस स्क्वेयर प्लस 4s + 8. ओके, और ये साइड में ऑलरेडी एक्स ऑफ एस है तो हम लोग क्या करेंगे, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस ले लेंगे और क्या आएगा, 8 अपॉन एस स्क्वेयर 4s + 8, जो कि ये इक्वेशन है. ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. ओके, अभी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या है, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिया हम लोगों ने. ओके, सो ये और ये इक्वेशन आपको कंपेयर करना है और आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन, ये इक्वेशन कंपेयर करके ही फाइंड आउट करना है. ओके, आफ्टर दैट सी द कंपेयर द इक्वेशन 1 and 2. ओके, कंपेयर करने के बाद सी हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, ओमेगा एन की जगह पे क्या है, इधर 8 है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ले सकते हैं. सो ओमेगा एन क्या होगा अपना, दैट इज √8. मीन्स ओमेगा एन क्या होगा, 2.8 इन रेडियन पर सेकेंड. √8 का वैल्यू रहेगा 2.8 रेडियन पर सेकेंड. तो अपना ओमेगा एन निकल गया है. आफ्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, मीन्स ये जो इक्वेशन 1 and 2 है उसके ऊपर से हम लोग कंपेयर करेंगे कि 2 ओमेगा एन क्या है, इट इज 4. ओके, यहाँ पे क्या है, 2 ओमेगा एन क्या है, इट इज 4. तो ये कंपेयर करेंगे हम लोग, और ऑलरेडी हम लोगों ने ओमेगा एन की वैल्यू निकाल दी है जो कि है 2.8 रेडियन पर सेकेंड. तो ये हम लोग पुट कर देंगे उसमें तो क्या होगा, 2 into ये क्या रहेगा आपका 2.8 मीन्स इट इज ओमेगा एन. ओके, फिर बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, तो क्या बनेगा, दैट इज द 5.6. ओके, फिर बाद में क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, आपका जो वैल्यू है वो आएगा 0.71. ओके, तो ये दोनों हम लोगों ने कंपेयर कर लिए हैं. आफ्टर दैट अभी ये जो है हम लोगों ने क्यों निकाले हैं, बिकॉज आपको जो फाइंड आउट करने हैं उसके लिए आपको ये पैरामीटर्स लगते हैं, ओमेगा एन लगता है, टो लगता है. ओके, सो अभी सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टी एस इज इक्वल्स टू 4/2 ओमेगा एन. ओके, ये इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल दी है 0.71.
तो उसमें पुट कर देंगे। बाद में ओमेगा एन की भी वैल्यू निकाल दी है, दैट इज़ 2.8, ये भी हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 2। ओके, और टाइम है इसलिए हम इसको यूनिट क्या देंगे, दैट इज़ द सेकेंड। ओके ओके, नेक्स्ट निकालना है, देखो राइस टाइम निकालना है, दैट इज़ द टी आर। ओके, फिर टी आर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है टी आर का फॉर्मूला, दैट इज थीटा। ओके, सो टी आर का फॉर्मूला है, देखो क्या है, दैट इज टी आर इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ओके, सो आपको क्या क्या पता रहना चाहिए, थीटा पता रहना चाहिए और ओमेगा डी पता रहना चाहिए। सो हम लोग सबसे पहले थीटा निकाल देंगे, फॉर्मूला है टैन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस टो स्क्वायर अपॉन टो। ओके, और ये जो है वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी है, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे 0.71, तो हम अपना जो है थीटा वो निकल जाएगा 45 डिग्री। ओके, मीन्स हम लोग उससे उसको पाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 रेडियन। ओके, आफ्टर दैट ओमेगा डी भी निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला है ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस टो स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू भी हम लोगों ने जो है निकाल दिया है। ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, ओमेगा डी आएगा, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। अभी आपके पास थीटा भी है और ओमेगा डी है, तो उसमें पुट कर देंगे पाई माइनस थीटा क्या है, पाई अपॉन 4, और ओमेगा डी क्या है आपका, ओमेगा डी है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3π/8, तो क्या आएगा आपका टाइम 1.17 सेकेंड। इसको सॉल्व करना है तो आपका जो है राइस टाइम भी निकल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी सी द पिक टाइम, दैट इज टीपी। ओके ओके, सी आपको पिक टाइम का भी फॉर्मूला पता है, पाई बाय ओमेगा डी, ऑलरेडी हम लोगों ने ओमेगा डी निकाल दिया है प्रीवियस इसमें। ओके, सो 3.14/2, तो पिक टाइम क्या आएगा, 1.57 सेकेंड। ओके, आफ्टर दैट आपको निकालना है एमपी, दैट इज पीक ओवरशूट। एमपी का फॉर्मूला आपको पता है, ई का पावर है माइनस पाई टू अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टू स्क्वायर इंटू 100। ओके, अभी इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे, इसका जो वैल्यू आएगा पूरा वो आएगा 3.18। ऑलरेडी आपको पाई का भी वैल्यू पता है और टू का भी वैल्यू पता है, वो पुट करने के बाद जो फाइनल आएगा वो आएगा 3.18। ओके, और उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अभी ये आपको कैल्सियम में सॉल्व करना है, ई टू द पावर 3.18 कितना जितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा 4.15%। ओके, तो पीक ओवर शूट कितना आएगा आपका, दैट इज 4.14। इस तरह आपको ये चारों भी टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूलेज है वो अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओके, सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था ये भी। सो थैंक यू।